भूलभुलैया 2 की अपार सफलता के बाद अनीस बज्मी लेकर आ रहे हैं इस बार वेलकम 3। वेलकम 3 में नजर आएंगे अक्षय कुमार। साल 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की वेलकम फिल्म कौन भूल सकता है। ये फिल्म के एक एक कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ था और आज भी अगर आप मीम पेज पर चले जाओगे तो वेलकम के बिना मीम पेज भी अधूरा है। जितने भी सोशल मीडिया पर आप मीम पेज देखेंगे वहाँ पर आपको वेलकम की क्लिप देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही थी, जिनमें अक्षय कुमार और कटरीना की केमिस्ट्री, परेश रावल घुंघरू शेर बनकर जो कॉमेडी किया था, इसके अलावा उदय शेट्टी यानी कि नाना पाटेकर और मजनू यानी कि अनिल कपूर का भी कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ था। लेकिन फिर मेकर्स ने एक गलती कर दी। दरअसल ये गलती वेलकम में नहीं बल्कि वेलकम 2 में हुई थी, क्योंकि उन्होंने इसमें से मेन लीड को ही हटा दिया। अक्षय कुमार को हटाकर जॉन अब्राहम को ले लिया और फिर क्या, रिजल्ट सामने आ गया फ्लॉप। और अब फाइनली मेकर्स ये फिल्म का तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं और ये फिल्म का जो डायरेक्शन देंगे वो वही देंगे जिन्होंने भूलभुलैया 2, वेलकम जैसी फिल्मों का डायरेक्शन दिया है, हमारे कॉमेडी दुनिया के ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर अनीस बज्मी। अनीस बज्मी की फिल्मों में जबरदस्त कॉमेडी होती है और उनकी कॉमेडी फिल्मों में डायरेक्शन की पकड़ कोई नहीं ले सकता। अब यही अनीस बज्मी वेलकम 3 बनाने वाले हैं, लेकिन वो समझ गए हैं कि इस बार वेलकम बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार के साथ, क्योंकि वो वेलकम के असली हीरो है। इसलिए वेलकम 3 में इस बार जॉन अब्राहम नहीं बल्कि अक्षय कुमार नजर आएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर वही डरावना शाय नजर आता है या फिर वेलकम 2 में जॉन अब्राहम की तरह बिंदास, वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल बात करें ये फिल्म की तो अभी ये फिल्म स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है। जैसे ये फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है तुरंत ही फिल्म के मेकर से फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे और अक्षय कुमार के साथ उदय शेट्टी और मजनू तो इस फिल्म में नजर आने ही वाले है, क्योंकि वेलकम उदय शेट्टी यानी कि नाना पाटेकर और मजनू यानी कि अनिल कपूर के बिना अधूरी है। लेकिन हीरोइन कौन होगी इसमें, ये फिल्म की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या अक्षय कुमार को भी वेलकम 3 फिल्म करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।